इतना ढेर सारा कमेंट करके आप लोगों ने पूछा कि आखिर कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और किस वेबसाइट पे जाके आपको कॉलेज ऑफ आर्ट का एंट्रेंस फॉर्म फिल, तो उन सभी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि धीरे धीरे करके सभी इंस्टीट्यूट, फाइन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ ने अपना धीरे धीरे करके एंट्रेंस एग्जाम करवा लिया है। अभी कुछ लोगों के मन में दोस्तों ये है कि कोरोना वायरस की वजह से क्या ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा BFA और MFA का, तो मेरे ख्याल से दोस्तों कि ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉलेज तो स्किल टेस्ट कराने के लिए जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इस वीडियो में हम कॉलेज ऑफ आर्ट के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पे कॉलेज ऑफ आर्ट सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मजे की बात दिखाता हूँ जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, और अगर आपको पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आपको थोड़ा शौक लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज ऑफ आर्ट का एफिलिएशन जो एकेडमिक एफिलिएशन है वो आप देख सकते हैं इसमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हो गया है जो कि 2021 में हुआ है। इससे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से था 1942 से लेके 2021 तक। तो अभी ये क्योंकि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हो गया है इसका एफिलिएशन, तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आखिर इसका फॉर्म जो है वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके फिलअप करना है या फिर DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिलअप करना है। तो आइए वो भी हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे, तो गूगल पे सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे सरकारी रिजल्ट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे DU का ऑफिशियल UG और PG दोनों का फॉर्म आ चुका है। एडमिशन वाले सेक्शन पे आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें हम UG वाले कोर्सेज पे अगर देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, और दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे कहीं भी आप जितने इसमें UG कोर्सेज के लिस्ट देख रहे हैं इसमें कहीं भी आपको BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। BA ऑनर्स और BA BSc सभी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, लेकिन BFA का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन ये तो थोड़ा छोटा सा समरी टाइप का इसमें दिया गया है, लेकिन अगर आप इसको फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पूरी तरह से कोर्सेज ओपन होके आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरा दोस्त BFA कोर्स के लिए अप्लाई करने वाला था और इसमें कहीं भी BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, MFA का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। और ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर हम PG वाले कोर्सेज में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको MFA वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे भी कहीं भी MFA का कोर्स इसमें नहीं देखने को मिलता है। MA MSc सब दिख रहा है, लेकिन MFA यानी कि फाइन आर्ट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अगला ट्राई हम करेंगे दोस्तों कि DU का जो भी कोर्स है उसको देख लेते हैं कि DU में BFA का कोर्स अवेलेबल इसमें दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो इसमें अगर DU को सर्च करने के बाद आप इसमें कोर्स और एडमिशन वाले सेक्शन पे चले जाएंगे तो यहाँ आप नीचे देखेंगे यहाँ पे कहीं भी फाइन आर्ट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्ट्रीम में। और दोस्तों स्ट्रीम्स में आपको फाइन आर्ट्स का ऑप्शन नहीं दिखा तो आप यहाँ आर्ट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इसी पे क्लिक करके देखते हैं। हालांकि ये फाइन आर्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी इस पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो नीचे इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको BFA का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिखेगा। जैसा कि मैं आप इसमें क्लिक करके देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो दूसरा अगर दोस्तों इसमें आर्ट एंड डिजाइन है इस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं तो इसमें भी आपको BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें MSc फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस करके दिख रहा है तो इसमें भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कॉलेज सेलेक्ट करेंगे एक बार हम। इसमें अगर आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी फाइन आर्ट्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो अभी आप क्या करेंगे, कॉलेज सेलेक्ट करके देखेंगे और कॉलेज में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉलेज ऑफ आर्ट का ऑप्शन कहीं भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लेटर वाइज है। तो इसमें सी से देखिए, आप कहीं भी देखेंगे तो सी से आपको कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसका एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से हो चुका है तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे हम क्लिक करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके ऑप्शन में भी कहीं भी BFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और अगली कोशिश हमारे पास दोस्तों सिर्फ ये है कि अब हम कॉलेज ऑफ आर्ट सर्च कर लेते हैं और कॉलेज ऑफ आर्ट सर्च करने के बाद वहाँ हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे चले जाएंगे। तो कॉलेज ऑफ आर्ट ऑफिशियल सर्च करेंगे, विकिपीडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में देखेंगे जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, और उस पर चले जाएंगे और वहाँ नेक्स्ट नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप ये अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो दिख रहा है एफिलिएशन, एकेडमिक एफिलिएशन, इस पर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे और सीधा आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल विकिपीडिया पे चले जाएंगे। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ से आप सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि अब हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021-22 दिख रहा है, और स्लाइड करेंगे दोस्तों तो इसमें फॉरेन एडमिशन है, और तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो इसमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2021-22 है। नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक करेंगे और नीचे अगर आप
अब देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन इसमें यूजी एडमिशंस पहले से ही सिलेक्टेड है, तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ के अगर कोर्सेज को देखेंगे तो जिसमें आप देख सकते हैं इसका फॉर्म 12 जुलाई 2021 से भरा जा रहा है और 1 सितंबर 2021 इसका लास्ट डेट है। और इसमें अगर कोर्सेज को अगर देखें, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ ऑनर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी और यही सब इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें भी कहीं भी BFA यानी कि बैचलर ऑफ फाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और सेम उसी प्रोसेस से अगर आप PG एडमिशंस पे भी क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं भी MFA का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब क्योंकि दोस्तों ये इसका एफिलिएशन कॉलेज ऑफ आर्ट का एफिलिएशन भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया है, फिर भी यहाँ पे भी अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों हमें लगता है कि 2021 में इसका एफिलिएशन चेंज हुआ, इसलिए अभी वेबसाइट पे ये चीज़ अपडेट करना बाकी है। दोस्तों इस वेबसाइट के प्रोग्राम पे भी अगर क्लिक करके आप देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी दोनों में भी आपको BFA और MFA का ऑप्शन नहीं दिखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया दोस्तों कि इसका एफिलिएशन जस्ट अभी यानी कि रिसेंटली 2021 में चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि वेबसाइट पर अभी ये चीज़ अपडेट करना बाकी हो। और अब दोस्तों हमारे पास फॉर्म फिल करने के लिए एक लास्ट ऑप्शन बचता है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉलेज ऑफ आर्ट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ के सीट्स अवेलेबिलिटी, वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से होता है, सबके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप दोस्तों किसी भी BFA फाइन आर्ट्स, MFA फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो सभी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो यूजफुल होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वो बुक्स हो या फिर मटेरियल्स हो। तो अगला ट्राई हम दोस्तों ये करेंगे कि सबसे पहले अब हम कॉलेज ऑफ आर्ट के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सर्च करते हैं, तो सबसे पहले उसको सर्च करने के लिए हम DU को सर्च करेंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। कॉलेज वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेटर्स पे जाएंगे तो C नंबर पे आपको कॉलेज ऑफ आर्ट देखने को मिलेगा। तो कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे ही पेज लिंक पे आप ओपन करते हैं उसके वेबसाइट पे, तो वैसे ही आपको इस तरह से कोरोना वायरस का इस तरह से आपको बैनर खुल के आ जाता है। इसका मतलब ये, फिर भी अगर आप नीचे इसमें अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको न्यू वेटिंग लिस्ट फॉर MFA एडमिशन 2020-21 का देखने को मिल जाता है, जो कि ये पिछले साल का अपडेट इस पे हुआ है, लेकिन इस बार अभी तक इसको अपडेट नहीं किया गया। या फिर दिखाता हूँ, आप सबसे पहले कॉलेज ऑफ आर्ट को गूगल पे सर्च कर लीजिए और कॉलेज ऑफ आर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप पहुँचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे ही आप कॉलेज ऑफ आर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा आपके सामने COVID-19 का बना हुआ। लेकिन अगर आप वहीं नीचे प्रोग्राम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस पूरा प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं BFA की डिग्री वगैरह, इसमें कोर्सेज के बारे में डिटेल वगैरह आप सब कुछ अच्छे से इसमें देख सकते हैं, जैसा कि आप इसमें दिख रहा होगा आपको। और इसमें कहीं भी आपको 2021 और 22 का एडमिशन प्रोसेस और एडमिशन के बारे में कहीं भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। और वहीं अगर आप बैक करेंगे फिर एडमिशन 2019-22 पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी लिंक आसानी से काम कर रहा है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और फिर से दोस्तों आप बैक करेंगे और बैक करके अगर अबाउट अस में क्लिक करेंगे कॉलेज ऑफ आर्ट के, तो वो भी अच्छे से आपको खुल के पेज आ जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन कहीं भी आपको 2021 और 22 का एडमिशन प्रोसेस के बारे में एडमिशन का कोई भी लिंक आपको इसमें भी देखने को नहीं मिलता है। तो हम कंक्लूजन की बात करें कि आखिर BFA और MFA का फॉर्म कॉलेज ऑफ आर्ट का भरा कैसे जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ भी कहने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करूंगा और जैसे ही कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं एक वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा आपको। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपको भी कुछ पता चले तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि या फिर मैं आपको सही जानकारी दूँ या फिर आपको मैं वो जानकारी ना दूँ जिस जानकारी के बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूँ। फॉर्म रिलीज होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसके लिए दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखें, क्योंकि दोस्तों इस अगर आप BFA और MFA या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का फाइन आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर अच्छा नॉलेजबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।